नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, आप सद अलग डबल खुशखबरी लेके आए हैं, क्योंकि बहुत से चाहते हैं जो इस विषय में कमेंट आने लग रहे थे बार बार कि सर हमारे जो हैं ऑफर लेटर जारी कब होंगे, तो उसके बारे में जानकारी लेके आए हैं। वो ऑफर लेटर जो है जारी करने का काम किया गया है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा। और वहीं दूसरी ओर साथियों, एक और जो है लेटर जारी किया गया है बजट को लेके। जितने भी साथी जो हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगाए गए हैं, तो उनका अलग से जो है बजट रखा जावे, ताकि उन साथियों की जो है सैलरी लेने में जो है प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि बहुत से साथियों की जो है सैलरी पेंडिंग बची हुई है। अभी तक सैलरी जो है उनके अकाउंटों में डालने का काम नहीं किया गया है, तो इसलिए जो है डिपार्टमेंट वाइज अलग से जो है उनका जितना भी बजट बना है तो रखने का जो है प्रावधान किया जाने लग रहा है। साथियों उसी को देखिए, आप साथियों ने दिखाया था पूरी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो देख लीजिए साथियों, मुख्यमंत्री साहब के द्वारा जो है 23 मई को शॉर्ट लिस्ट मैसेज भेजने का काम किया गया था हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत। जो है ये कंडक्टर के पदों पर साथियों के शॉर्ट लिस्ट मैसेज भेजे गए थे 534 साथियों के, जिसके जो है ऑफर लेटर भेजने शुरू कर दिए हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा। तो आप साथियों ने दिखाया दिया, एक साथी ने जो हमारे पास में वह ऑफर लेटर भेजा है, उसने कहा अब ये जो हमारा कंडक्टरी का ऑफर लेटर आया है, तो आप साथियों ने दिखाया दिया। तो ये देख लीजिए साथ, ये वाला ऑफर लेटर भाई, यानी कि मुकेश बिक्का जी का धन्यवाद भाई, जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। ठीक है, उन्होंने अब बताया भाई जो है ऑफर लेटर उनका है। और ये देख लीजिए साथ, इसके अंदर जो है डिटेल वगैरह दे रखी है भाई, 12/6/2023 को ये जो है ऑफर लेटर भेजने का काम किया गया है। शाम के टाइम में ये जो है ऑफर लेटर भेजे गए हैं। और उसके बाद में देख लीजिए साथियों, इनके जो क्वालिफिकेशन वगैरह वो आप साथ ने सारे के सारे दिखावांगे भाई। जो है ये पोस्ट है मल्टीटास्किंग, यानी कि ट्रांसपोर्ट पर्सनल कंडक्टर के, यानी कि पदों पर भर्ती निकालने का काम किया गया है। और लेवल 2 के अंदर ये जो है भर्ती दर्शाने का काम किया गया है। और उसके बाद में साथियों इनकी दिखाई दें भाई, 27/6/2023 से जो है ज्वाइनिंग लेने का काम किया जाएगा। और 16/11/2023 लग इनकी ज्वाइनिंग चलेगी, यानी कि लगभग 5 महीने इनको जो है ज्वाइनिंग देने का काम किया गया है। और 18/510 यानी कि लेवल 2 के अंदर जो है पोस्ट दर्शाई गई है, 18/510 रुपये इनको जो है सैलरी देने का काम किया जाएगा। EPF ASIC LW जो है इसके अंदर इंक्लूड है साथियों, 18/510 का, यानी कि 16,549 कुछ रुपये यानी कि इनका खाता माने का काम होगा साथियों इतने लगभग। ठीक है, और जो EPF ASIC जो है वो कट जाएगा इसमें 18/510 मत है। और इनकी क्वालिफिकेशन की बात कर लें, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता दिया था, वह पॉलिसी के अंदर जो है मेंशन कर रखी है वह +2 पास होना चाहिए। और इन्होंने नुकया भाई, यानी कि टिकट काटनी पड़ेगी बस के अंदर, और सपोर्ट करनी पड़ेगी ड्राइवर की, यानी कि जो ड्राइवर जो बस चलाओगा उसकी भी सपोर्ट करनी है। और किसी ने कोई बस चलानी आए तो बस भी चलाया हुआ इसका, यानी कि साथ में, और साथ में जो है टिकट भी कटवानी है भाई, जैसे बस को साफ़ करना है या फिर शीशे वगैरह साफ़ करने हैं, बस में पानी वगैरह की व्यवस्था रखनी है, यानी कि फर्स्ट एड की व्यवस्था रखनी है, तो सारी जो देख रेख करेगा कंडक्टर के काम होया करें, तो कंडक्टर को करने पड़ेंगे साथियों। बस सुबह जैसे बस चलेगी तो उसको चेक करना है उसका भाई, यानी कि तेल वगैरह इंजन वगैरह जो भी है उसका, तो वो सब कुछ चेक चुक करके चलाना हुआ है, तो ये सारे के सारे काम जो है कंडक्टर के ऊपर सौंपे जाओगे और उसी से करवाने का काम किया जाओगा। तो बस के अंदर जो झाड़ू वगैरह वो भी लगानी पड़ेगी, जो सवारी वगैरह जो भी कुछ, यानी कि कूड़ा का करा कुछ भी डालना है तो ठीक है, और जो ड्राइवर की है वो भी सपोर्ट वगैरह करेगा। अच्छा, +2 यानी कि उसके अंदर होनी चाहिए, +2 पास वो होना चाहिए, और प्रोफेशनल यानी कि नॉलेज होनी चाहिए उसके पास में, यानी कि कंडक्टर से रिलेटेड टिकट टागट काटने में यानी कि माहिर होना चाहिए, ताकि वो टिकट टागट काट सके। एक बार तो उसको ट्रेंड भी कराने का काम कराया जाओ उसके साथ में, यानी कि किसी को छोड़ा भी जाओगा, जिससे उसको एक बार कन्फर्म करवाया जाए भाई इतनी दूर से लेके इतनी दूर लगे टिकट काटनी है, इतने पैसे लगेंगे भी इतने लगेंगे, तो सारा एक बार उसको सिखाने का काम भी कराया जाएगा साथियों। ठीक है, और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट ये हैं इनको ऑलरेडी पता भी है भाई किस प्रकार से जो हम टिकट वगैरह काट है, क्योंकि इन्हें जो है पीछे जब हड़ताल वगैरह हुई थी तो उसके अंदर जो है इन साथियों को यानी कि एक्सप्रेस भी देने का काम किया गया था, और हड़ताल के दौरान जो है बसों पर चढ़ाने का काम भी किया गया था। तो ये लगभग जो है एक्सप्रेस कैंडिडेट है, और इनको अगर ऑलरेडी जो है नॉलेज भी है सारी चीज़ों की, तो इसीलिए इन साथियों के जो है सो ऑफर लेटर देने का काम कर दिया गया है। और एक्सप्रेस के अंदर 0 से 5 का दिखाया गया साथियों, इसके अंदर 0 से 5 साल के बीच में आपका एक्सप्रेस हो सका है। और ये DDO वगैरह की डिटेल दे दी भाई, यहाँ पर अपनी जो है बात करके फ़ोन वगैरह नंबर
पे, तो अपने वहाँ पे आप साथी जा सकते हो। तो इस प्रकार से जो है साथियों ने जो ऑफर लेटर जारी करने का काम कर दिया है। ये कई साथी नू भी कमन दे होंगे कि सर ये जो कनेक्टर की ये भर्ती भी निकालने का काम नहीं कराया गया, लेकिन ऑफर लेटर भी आ गए। तो आप साथियों ने बता दें भाई, इन साथियों का जो गवर्नमेंट एक्सपीरियंस था ऑलरेडी, यानी कि इन्होंने हड़ताल वगैरह में काम कराया था, बड़ी मेहनत करी थी उस टाइम पर, क्योंकि सारे ड्राइवर जो हड़ताल पर थे जो गवर्नमेंट लगे हुए थे, और इन साथियों ने जो है फिर बस चला के यानी कि कुछ दिन सरकार का काम चलाने का काम कराया गया था। उस टाइम पर इनको सर्टिफिकेट भी दिए गए थे, और फिर इन साथियों को जो है वेरीफाई करवाने का काम कराया गया था डिपार्टमेंटों के द्वारा, जिसके साथियों को जो है शॉर्ट लिस्ट ऑफर लेटर देने का काम कर दिया गया साथियों। तो उससे आगे साथियों बात कर लेते हैं भाई, एक और ये देख लीजिए, डिपार्टमेंट के द्वारा जो है नया लेटर जारी करने का काम कर दिया गया है। इरीगेशन वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हरियाणा की तरफ से लिखा गया है, और इसके अंदर जो फंड को अरेंजमेंट करने के लिए लेटर लिखा गया है, जो साथियों को जो सैलरी प्रोवाइड करवाई जावे है, ताकि उन साथियों का जो आगे से जो है बजट पहले से तैयार रखा जावे, ताकि सैलरी वगैरह जो देने में है वो दिक्कत ना आवे, क्योंकि हरियाणा कौशल निगम के द्वारा जो है मेंशन कर रखा है 7 तारीख से पहले जो है एवरी मंथ सैलरी दी जावे जितनी भी मैन पावर रखी गई है, नहीं तो हम उसको जो है वापस भी ले इसका हाँ, और या फिर पेनल्टी भी लगा इसका हाँ। जो पेनल्टी वाला जो ऑप्शन था वो पैरा डिलीट करने का काम कर दिया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। तो अब सिर्फ जो है 7 तारीख से पहले सैलरी प्रोवाइड करवाई जावा है, तो इसलिए डिपार्टमेंट जो है अपनी तरफ से पूरी यानी कि तैयारी में लग चुके हैं अब, क्योंकि बहुत से साथियों जो है अब की बार सैलरी नहीं आई है, तो अगली बार ऐसा साथियों को नहीं दिखना पड़ेगा, ठीक है। और जो हमने जो वीडियो बनाई थी उसका भी मैंशन हवाला दे दिया है, और आगे भी पहुँचाने का काम कर दिया साथियों, जिससे आप साथियों को आगे जो है दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी प्रकार से देख लीजिए, इन्होंने जो कहा 2023 की, यानी कि बहुत से साथी अगर रह चुके हैं तो उनका बजट वगैरह की जो है मांग करी जावा, जिससे साथियों आगे जो है भाई यानी कि सैलरी वगैरह प्रोवाइड करवाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसी प्रकार से देख लीजिए, डिपार्टमेंट भी जो है लेटर जारी करने शुरू कर दिए हैं। तो यही कुछ आप साथियों के लिए इन्फॉर्मेशन लेके आए थे, और आप साथियों ने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।